वेलकम बैक टू गाइस, जय श्री श्याम सभी को। तो मैं उठ गया था 5 बजे क्योंकि मेरे को जाना है रेलवे स्टेशन और मेरी ट्रेन है 6:30 की, तो इसीलिए हम जा रहे हैं। मैं और पवन भाई मेरे को छोड़ने जा रहे हैं और हिसार की सड़कों पे हम सुबह भी घूम रहे हैं जैसे रात घूम रहे थे। बस फ़र्क इतना है, रात घूम रहे थे और अब जा रहे हैं हम रेलवे स्टेशन। तो मैं घर पहुँच जाऊँगा 12-1 बजे के आसपास, उस टाइम बात करते हैं गाइस। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में, ओके। तो गाइस अब थारा भाई आ गया रेलवे स्टेशन और टाइम से पहुंच गया आधे घंटे पहले। ट्रेन आई नहीं है अभी तक, ट्रेन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, टिकट विकट सब कटवा लिए। ट्रेन आते ही हम बैठ जाएंगे ट्रेन में और फिर चल देंगे घर की ओर, लेके बाबा श्याम का नाम कर देंगे भाई चढ़ाई। आज घर जाते ही सीधे जाऊँगा श्याम बाबा के मंदिर नहा के। और गाइस आपको मैं ब्रिज के ऊपर जा रहा हूँ, ब्रिज के ऊपर से दिखाता ही क्या हूँ, इशारी तो है यार, क्या ही मतलब कोई वो थोड़ी। चलिए गाइस मैं भी ब्रिज के ऊपर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या इशार। गाइस आप ये ब्रिज देख रहे हो, ब्रिज के ऊपर जाने का रास्ता देख रहे हो, मतलब कौन बनाता है यार ऐसे, मतलब आप सीधा बनाओ ना सीढ़ी से, ऊपर जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो। चल भाई आ जा रहे, देखो यार ऐसे कौन बनाता है भाई, ऐसे कौन बड़ा भाई। हरियाणा ही गवर्नमेंट की करवा सके भाई, ये हरियाणा है। ओ भाई 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 नीचे से चल के आ रहा हूँ यहाँ से। गाइस तो हिसार में रेलवे स्टेशन पे एस्केलेटर भी लगा हुआ है, थोड़ा कुछ गलत बोल रही हूँ तो माफ़ करना है, देखो नाम नहीं आता। और पवन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुम हमें यहाँ तक छोड़ने आए और लेने भी आए थे रात को, थैंक यू ब्रो। गाइस हमारी ट्रेन आई प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद रेलवे स्टेशन पर। तो गाइस हमारी ट्रेन हमें मिल चुकी है, अब सीट देख रहा हूँ कहीं पे मिले तो बैठ जाता हूँ, बैठे जाऊँ वरना खड़ा जाना पड़ेगा यार पूरे दूर। आ जाए इधर आ जाए पवन, इसमें आ जाए यार। तो ठीक है गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि लोकल सीट ली है मैंने, कोई रिजर्व नहीं करा रखी थी क्योंकि मुझे थोड़ी दूरी जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, 1 किलोमीटर तो पहुँचा देगी। चलो ठीक है मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आपका भाई पवन यहाँ पर बैठा है, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो गाइस मैं अभी ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, ट्रेन चली नहीं है, कितना टाइम हो गया पवन भाई? 6:23 हो गए भाई, अभी 7 मिनट और है उसके बाद ट्रेन चलेगी। तो गाइस ये मेरा मैं पहली बार अकेला जा रहा हूँ, वरना घर वाले कोई ना कोई साथ ही होता है, ट्रेन में मैं पहली बार अकेला जा रहा हूँ, तो कोई नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस नहीं है, बस वही लग रहा है सेम जैसे जाते थे, बस से जाता हूँ वैसे ही लग रहा है। क्या यार ट्रेन में तो जाना है, आप इतने तो बड़े हो चुके हो कि आराम से अकेले जा सकते हो, अब तो देखना आगे से आगे घर वालों को बिना बताए घूमेंगे। ये वीडियो भाई देख रहा है तो भाई आप मुझे डांट मत लगाइएगा, क्योंकि यही तो दिन है घूमने के, और टेंशन भी कीजिए हम अपने आप पढ़ लेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, तो शायद मेरे को ये क्लिप कट भी करनी पड़ सकती है पर मैं नहीं करूँगा। बाबा श्याम है, किस बात का डर है, जय श्री श्याम। ओके पंकज ब्रो ठीक है भाई, पवन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना साथ दिया और आप टाइम पे हमें लेने आए और टाइम पे हमें ट्रेन तक छोड़ने आए, धन्यवाद भाई आपका। भाई की हेल्प ना करेंगे तो किसकी करेंगे भाई? सही है भाई, सही है, जीवते रहो भाई, आपको भगवान से 10 वागन रखे। ठीक है भाई ट्रेन चालन आ रही है, ठीक है तू बग जा आराम से हैं। ठीक 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 ओके गाइस मिलते हैं ट्रेन से उतर। गाइस ये बम राजगढ़ पहुंच चुके हैं और मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड, बस स्टैंड से जाके सीधा जाएंगे हम तारानगर की बस पकड़ेंगे और तारानगर की बस पकड़ने के बाद सीधा जाएंगे घर और फिर। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ तारानगर और तारानगर से अब सीधे गांव की बस में बैठ गया हूँ, अब जाऊँगा मैं गांव पर सीधा फिर उसके
बाद में आगे आ जाएंगे भैया मेरे को लेने, तो फिर मैं चला जाऊँगा घर। तो गाइस मिलते हैं गांव जाते हैं। फाइनली मैं मेरे गांव पहुंच चुका हूं और मेरा दोस्त मेरे को लेने आया, मेरे घर पड़ोसी है पास में जो रहता है वो लेने आया भैया, वो थोड़ा काम था तो काम से बाहर गए हैं, तो यही लेने आया था और आया भी पैदल, बाइक लेके नहीं आया, वरना मेरी स्कूटी ले आता भाई, घर पे खड़ी थी। अब देखो इसके घर जाके मैं वो पट्टी करता है, बताता हूँ बाद में, बताता हूँ क्या करूँ मैं। और गाइस मैं गांव पहुंच चुका हूँ फाइनली। क्या टाइम हुआ है? 10:23 हुई है टाइम, और मैं गांव में पहुंच चुका हूँ। और कल मैं शायद कॉलेज से चला था 11:30 बजे, कितने 12 बजे इतने आसपास उसी टाइम चला था। तो अब जा रहा हूँ घर, यहाँ से है 1 किलोमीटर दूर, पैदल जाना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं, पैदल आ गया तो कमीन। तो गाइस अब घर जा के नहा धो के खाना खा के फिर करूँगा स्टार्ट व्लॉग, ठीक है? इतने तो नहीं कर रहा भाई मैं, क्यों थक गया, सुबह भी मैं चला, फिर कल रात को भी लेट, सुबह कल रात को पता है क्या हुआ, वीडियो उठ गई पूरी बनाई हुई, फिर वापस बनाई, 2 बज गए थे मेरे को, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है ज़िंदगी में, छोटी मोटी बातें होती रहती है। तो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद हम आप सभी के साथ। तब मैं चल दिया हूँ स्कूटी लेके, बाज़ार जाना होगा, मम्मी बोल रही है कटिंग करवाया, आके ही बोल दिया, रोटी भी नहीं खाई उससे पहले, बोले पहले कटिंग करवा क्या भाई, ये क्या हाल कर रखा है। मैंने बोला था ना गाइस मेरे घर वाले आते निकाल दें, बोले पहले कटिंग करवा क्या, तो जा रहा हूँ, खा लिया यार वैसे खाना, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, कटिंग करवा गया हूँ, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर में, ओके जा रहा हूँ। तो गाइस अब जा रहा हूँ ऊपर रूम में, मेरे रूम में, और वहाँ पर जाके मेरा गेमिंग सेटअप दिखाता हूँ आप सभी को, लैपटॉप ले लिया साथ में, थोड़ा काम भी कर लूँगा और चल रहा हूँ नीचे, तो क्या ही करूँ अकेला, बोर हो रहा हूँ यार सच बताऊँ तो, घर में तो बोर हो रहा हूँ। चलो आपको दिखाता हूँ गाइस, ये रहा मेरा गेमिंग सेटअप और भैया गेम खेल रहे हैं, देख लो आप, और मैं बैठ के थोड़ा काम कर लेता हूँ, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो मैं अब आ गया हूँ खेत में, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा बहुत घुमाते हैं, घर पर बैठा बैठा अकेला बोर ही हो रहा था, तो भैया और मैं आए हैं, और मैंने सोचा साथ में वीडियो भी बना लेंगे, तो घूम भी आऊँ, और देख लो आप पूरी सूखा पड़ा है अभी, तो बारिश होगी ना तभी यहाँ पे फसल वगैरह सब बोएंगे, फिर उसके बाद ही जो कुछ होगा वो होगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे खेत में ही मिलते हैं, क्योंकि मैं घर जाके वीडियो और बनाऊँगा, तो ये खेत के लिए, खेत वाली। तो गाइस ये आप सभी देख रहे हैं राजस्थान का हमारा खेत, चारों ओर मिट्टी मिट्टी है ना, सूखा और पड़ा हुआ है, तो ऐसे घूमने आए थे। तो गाइस अब मैं ऊपर आ गया हूँ, तो मैं आपको है ना मेरा गांव दिखाता हूँ ऊपर से, मतलब मेरा गांव कैसा दिखता है, तो चलिए फिर देखिए मेरा गांव आप ये देख लो गाइस, बहुत बड़ा गांव है मेरा, और मैं गांव के बाहर वाली साइड रहते हैं, अंदर नहीं, अंदर वाली साइड नहीं रहते, बाहर वाली साइड रहते हैं हम, तो इधर का ऐसा कुछ एरिया, और ये देख लो आप चांद निकल गया, और ये है हमारा ऑफिस जिसका गेट खुला हुआ है, तो ये रूम है, और इधर के नीचे भी रूम है, और देख लो गाइस अपना गांव कैसा लग रहा है, और मैं गांव में घूम के भी दिखाऊंगा आपको, बारे में भी गांव में घूम के दिखाऊंगा मैं आप सभी को, कि मतलब श्याम बाबा का मंदिर है एक तो बहुत बड़ा वो दिखाऊंगा, और बहुत अच्छी अच्छी जगह है, तो वो मैं सभी आपको दिखाऊंगा मेरे गांव में जाके एक दिन, तो चल लेंगे एक दिन घूमने फिर। और गाइस मैंने आज वीडियो भी मतलब बनाई है मेरे खेत में जाके, तो मैं आपको वो भी देखता हूँ इसके अंदर डाल दूँ या शॉर्ट वीडियो में डाल दूँ, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनाई थी वो शॉर्ट वीडियोस के लिए तो बनाई थी, तो वो देख इसमें डालूँ या किसमें देखता हूँ। तो चलिए गाइस अब मैं चलता हूँ नीचे, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद अपन, ठीक है? तो गाइस अब हमने खा लिया खाना, और थोड़ा बहुत काम था वो कराया मैं ऐसे, ब्लॉगिंग इसलिए नहीं करा था क्योंकि इन्होंने चला रखे थे होली के सॉन्ग, और मैं नहीं सोच रहा था कि कॉपीराइट आ जाए, तो
कुछ नहीं, थोड़ा सा काम करूँगा, फिर बाद में जाके वीडियो को एडिट करूँगा और उसके बाद में मैं सो जाऊँगा, क्योंकि रात भी लेट सोया था और अभी भी रात की नींद है तो सोना तो पड़ेगा, तो इसलिए मैं सो रहा हूँ। और देख लो मेरे पीछे कितना चांद दिख रहा है। भाई सब मैं आ गया हूँ ऑफिस में, तो ऑफिस में आके मैंने सोचा थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो भैया और भाभी आ गए थे, इधर ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकता था, इसलिए वो बोल रहे थे तो मैं बीच में आवाज़ आ रही थी। चलिए मिलते हैं कल, अभी तो काम कर लेता हूँ, थोड़ा कॉलेज का भी काम करूँगा और उसके बाद खुद का भी काम करना होता है वो भी करूँगा, तो कोई बात नहीं, कल मिलेंगे। कल बहुत सारा मतलब कहाँ कहाँ जाके घूम के आऊँगा वो कल दिखाऊँगा मैं। सोच रहा हूँ हमारे गांव का एक मतलब किला है तो वो दिखाता हूँ आप सबको, जाऊँगा कल जाऊँ, मेरे दोस्त आ जाए, कल आ रहा है, कल लेट आएगा वो, कल टाइम से आ गया तो मैं कल ही चला जाऊँगा है। और चलिए मिलते हैं कल। जय श्री श्याम बाबा श्याम, आप सबकी रक्षा करें और आप सबकी मनोकामनाएँ पूरी करें, ठीक है। जय श्री श्याम, जय श्री राम, गुड नाइट, बाय बाय।